हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आज हम बनाना सिखाएंगे आपको, पेटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल कैश फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे एनालिटिकल कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक दोनों ही प्रिपेयर करना है, तो वन बाय वन मैं दोनों समझाऊंगा आपको। पहले हम देख लेते हैं ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं इसमें। अब पेटी कैश बुक में हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इसमें छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट जो है अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, इसका ये मतलब हुआ कि जो कैशियर है वो चीफ कैशियर से कुछ पैसा लेगा और फिर अपने उस पैसे में से जितने भी एक्सपेंस हो गए उनका पेमेंट करेगा, फिर जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो चीफ कैशियर को वापस कर दिया जाता है। जैसे छोटे मोटे एक्सपेंस में क्या हो सकता है, जैसे नवंबर 2 को पेड टेलीफोन चार्जेस, नवंबर 3 को पेड इलेक्ट्रिक बिल, 4 को परचेस पोस्टेज एंड स्टाम्प, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, परचेस पोस्टेज एंड स्टाम्प, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन, पेड बस फेयर, पेड कैरेज, ये सब छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं। तो अब इसको एज अ पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे, एज अ फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं बनाता हूं, आपको अच्छी तरह समझाता हूं उसको और फिर एनालिटिकल भी बताता हूं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, हमारे पास जो 7500 मिला है ये रिसिप्ट हो गया और ये सारे पेमेंट होते हैं, तो रिसिप्ट में से पेमेंट को हम माइनस करते हैं, जो पैसा बचता है वो हम चीफ कैशियर को रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको एज अ फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा ये हम आपको बताते हैं, चलिए देखा जाए। सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक का मतलब कि इसमें कई सारे अमाउंट के कॉलम नहीं होंगे, केवल एक अमाउंट रिसीव होगा सबसे पहले और सबसे लास्ट में अमाउंट पेड होगा। पर्टिकुलर का जो कॉलम होगा वो एक ही होगा। यहाँ पे 2 का भी यूज करेंगे और बाइक का भी यूज करेंगे। जब 2 का यूज करेंगे इसका ये मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, आप बैक करके क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। देखिए 2 कैश मतलब जो चीफ कैशियर से पैसा मिला, तो 2 कैश 7500 हमको मिला और वो मिला क्यों, ये सारे खर्च करने के लिए हमने जितने खर्च किए, जैसे टेलीग्राम एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक बिल है, पोस्टेज एंड स्टाम्प है, टैक्सी फेयर है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एंड स्टाम्प है, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन है, बस फेयर है, कैरेज, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इन सबको हमने अमाउंट पेड साइड में, राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब करना क्या होता है इसमें, एक तरफ आपका अमाउंट रिसीव है, एक तरफ अमाउंट पेड है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट पेड का टोटल कर लेंगे। अमाउंट पेड का टोटल 3700 आ रहा है और टोटल अमाउंट जो रिसीव है वो 7500 है, तो 7500 के ठीक सामने आप 7500 लिख दीजिए और जो टोटल पेड अमाउंट है 7500 में से उसको हम माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा 3800। कहने का मतलब ये है कि हमें चीफ कैशियर से मिला 7500 रुपीज और हमने टोटल खर्च किए 3700 रुपीज, बचा कितना हमारे पास 38, यानी 3800 जो रुपीज मिला इसको हम कैरेट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, इतना पैसा हम कैशियर को वापस रिटर्न कर देंगे। क्या सिंपल पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है, अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट पेड। एनालिटिकल फॉर्म में होता क्या है, सारी चीजें ऐसी ही होती हैं, बस इसके आगे जितने एक्सपेंसेस होते हैं, जितने एक्सपेंसेस का मतलब सबका अलग अलग तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, जिससे रिलेटेड होगा उसमें उसका अमाउंट लिख दिया जाता है। चलिए उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये सिंपल के तरह ही होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जितने एक्सपेंस होते हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉलम आगे बना दिए जाते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम रहता है। जैसे कि हम सिंपल ये बनाते थे वहां अमाउंट तक ही होता था, तो यहाँ अमाउंट के आगे कुछ कॉलम बन जाएंगे जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होंगे, जैसे टेलीग्राम चार्जेस, तो यहाँ टेलीग्राम चार्जेस यहाँ भी लिखेंगे, एक बार यहाँ दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक बिल, पोस्टेज एंड स्टाम्प, अब पोस्टेज एंड स्टाम्प देखिए जहां जहां आएगा उसको यहाँ पे दिखाते जाएंगे। जैसे 2 बार देखिए पोस्टेज स्टाम्प आया, एक 4 तारीख को आया 250 रुपए का और एक आपका आया पोस्टेज एंड स्टाम्प 8 तारीख को 250, तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में दिखा देंगे। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेंस ऐसा हो जो इसमें लिखा ही ना हो,
तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम उसको डालेंगे। बैलेंस वगैरह सेम उसी तरह किया जाएगा जैसे हम सिंपल पेटी कैश बुक में किए थे, और जो एनालिटिकल फॉर्म में जो कि हम एनालाइज किया, अलग अलग किए हैं, सबको कैटेगराइज किए हैं सारे एक्सपेंसेस को, उसका केवल टोटल करके हम छोड़ देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किससे रिलेटेड कितना खर्च हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।